नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा या फिर व्रत करने से आपके धन में वृद्धि होती है। इस पूजा के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ छोटे छोटे उपाय भी करें तो आपके सुख में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। हम आपको बता रहे हैं कि कौन से उपाय करने पर माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए जरूर लिख दें जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उसे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। उनकी इस आदत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा हुआ होता है और शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रीय उपाय लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव आपका धन टिका रहेगा और आपका जो पर्स है वो कभी भी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर यहाँ पर बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा और ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। पहली चीज़ है धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। दूसरा है दोस्तों, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में उनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका घर सदैव धन से भरा रहेगा। अगली चीज है दोस्तों, लाल रंग का कागज। ये एक प्रकार का छोटा सा टोटका है जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें तथा इसके बाद इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। अगली चीज है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल का भी पर्स में रखने का महत्व है। अगर आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। इसके अलावा आप अपने पर्स में कौड़ी या फिर गोमती चक्र भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। दोस्तों, पर्स में अगर आप चांदी का सिक्का रखते हैं तो आपको बहुत ही धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की वर्षा करती हैं। परंतु ध्यान रखें कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में एक बार जरूर रखें। दोस्तों, अगली चीज है रुद्राक्ष। अगर आप अपने पर्स में रुद्राक्ष रखते हैं तो ये दरिद्रता को यानी कि गरीबी को दूर कर धन वृद्धि में सहायक होती है। अगली चीज है माता पिता या बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगाकर सदैव अपने पास रखें। दोस्तों, इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। दोस्तों, इन सभी चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मोड़ कर ना रखें। अगर आपके पर्स में मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो जितना आप चाहते हैं उससे भी कहीं ज्यादा आपको खुशियाँ मिलती हैं, और अगर प्रसन्न ना हो तो फिर आपको घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर पैदा हुआ है और कोई दुर्भाग्य लेकर। हर किसी की कुंडली में राजयोग और दुर्भाग्य दोनों ही होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा समय होता है कि आप जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है कि आपका अच्छा वक्त है। उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, और जब समय गड़बड़ करे तो विपरीत धारा में नहीं जाएं बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ें।
बढ़ाएं, बस चलें, दौड़ने की ज़्यादा कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तब एक बार फिर से प्रयास करें। तो दोस्तों, अब जब आपका समय अच्छा ना चल रहा हो तब आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं, अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना बस ये है कि शुक्रवार के दिन, खास तौर पर जो माँ लक्ष्मी का दिन होता है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग आपको करना है। ऐसा करने से आपका शुक्र बलवान होगा और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपका बुरा समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जब शुक्र मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है, यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के 1 से 2 दाने डालकर आपको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसके बाद उस पानी को नहाने के पानी में डालकर आप नहाइए। आप चाहें तो आप इसे गर्म करके या बॉयल करके किसी शीशी में रख लें और रोज़ नहाने के पानी में 2 ढक्कन डाल दीजिए। दोस्तों, यदि इस पानी से आप नहाएंगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी ये एक छोटा सा प्रयोग आप ज़रूर करें। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफ़ेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी भी पवित्र बहती नदी पर ले जाएं, या किसी तालाब के किनारे पर भी आप जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या डोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो भी आप लेकर गए हैं उसे वहाँ पर रख दें और एक दिया जला दें। और इसके बाद दोस्तों, ये जो इलायची और मीठी वस्तु आपने जो पत्ते पर रखी थी, इसे आप नदी में बहा दें। दोस्तों, इससे आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा और आपका शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तो आप ये उपाय किसी मंदिर में कर सकते हैं। वहाँ पर आप ये पत्ता जिसमें आपने मीठी वस्तु रखी है, ये आपको इलायची के साथ रखना है। कई बार पति पत्नी में प्रेम कम हो जाता है, अगर आप भी प्यार को कहीं खो चुके हैं, आपको लगता है कि अब पति पत्नी के बीच प्यार नहीं बचा है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक तो हमारे भगवान श्री हरि कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श कराएं। उसके बाद आपके पास रुमाल, पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसके साथ बांधकर अपने पास ही रख लें। अगले दिन शनिवार की सुबह जब आप चाय बनाएंगे तो उसमें से 2-4 दाने आपको पल्लू में से इलायची निकालकर डाल देने हैं। दोस्तों, इसे अच्छे से कूटकर, अच्छे से पीसकर चाय में मिलाएं, या आप इसे खीर में भी डाल सकते हैं और आप अपने पति को खिला दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच जो प्रेम खत्म हो गया था वो फिर से आपको देखने को मिलेगा। पति पत्नी के संबंध को बचाए रखने के लिए ये उपाय आप जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।